मॉर्निंग सुप्रभात, जय श्री राम भाई। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम निकल चुके हैं कांटा करवाने के लिए। कांटा करवाते हैं, फिर देखते हैं भाई कितना वजन बैठता है। मेरे को तो लगता है गाड़ी में वजन जाता है, क्योंकि गाड़ी भाई पूरे गियर मांग रही है। हल्की सी चढ़ाई है, ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। और भाई ये कुछ व्यू सुबह सुबह का। कल हम भाई वहाँ पर पार उधर लोड कर रहे थे गाड़ी, कि भाई लोकेशन एक नंबर है, और कुछ हो या ना हो भाई। अब आगे चलेंगे ना तो ये रोड खत्म हो जाएगी, फिर पत्थर वाली रोड आ जाएगी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। वजन तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन देखते हैं भाई कितना ज्यादा होगा वजन। भाई ये कुछ रोड की हालत है। अब यहाँ से मैं थोड़ा पक्का वाला रोड आ जाएगा, थोड़ा ही आगे चलना है अब यहाँ से हमें। फिर वहाँ से लेंगे हम लेफ्ट साइड में टर्न, फिर सीधा ही चलना है उसी रोड पर। रेलवे फाटक पार करते ही कांटा आ जाएगा भाई। आ चुके हैं रोड पर, अभी जो कांटा करवाना है वो हमें यहाँ से जाना है आगे 15 किलोमीटर। वहाँ पर 15 किलोमीटर चल के आगे कांटा है, वहाँ पर चेक करवा लेते हैं। वो कांटा है छोटा, बस गाड़ी अपनी उसमें सेट हो जानी चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। गाड़ी वहाँ पर सेट हो जाएगी ना तो सही है भाई। वापस जा रहे हैं जहाँ पर हमने गाड़ी लोड की थी, वहीं पर वजन बढ़ रहा है वजन। अब भाई माल निकालना पड़ेगा। पहले गाड़ी जो थी उसमें भाई वजन कम पड़ रहा था, अभी इसमें वजन बढ़ रहा है। परेशान हो गए यार। ये आ चुके हम वापस तालाब के पास। ये कैनाल है बनी हुई है पानी के लिए। चलिए भाई लोड हो चुकी है गाड़ी अपनी और निकल चुके हम यहाँ से। और भाई का ही माल है ये, अपने साथ में ही है। महाराष्ट्र से है भाई, मुंबई से हो ना आप, बॉम्बे से हो ना आप, बॉम्बे से है भाई। ये कुछ लोकेशन है, ये कुछ लोकेशन है, काफी प्यारी लोकेशन है। फाइनली भाई अब अपना कांटा हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अपनी गाड़ी वो खड़ी है आगे, और ये खड़ी है भाई की गाड़ी। अपनी गाड़ी में भाई वजन आया है 29 टन 860 kg, और भाई की गाड़ी में पता नहीं कितना। आपकी कितना आया वजन? 29,500 पूरा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अपने से 310 किलो वजन कम आया है इस गाड़ी में भाई। 6:30 बज चुके हैं, अभी तक हम यहीं पर है। परेशान हो गए यार, निकाल दो अभी बिल आया है तो हमें भी निकलने दो यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी करिए जल्दी करिए। सुबह से 10 मिनट करके हम कितने बजे आए थे यहाँ पर? शायद 10-10:30 के आसपास आए थे। ठीक है, 10:30 शायद नहीं बजा था। सबसे ये हमको परेशान कर रहा है, सबसे 10 मिनट बोल रहे हैं। और अभी भाई टाइम देखिए कितना हो चुका है, 6:37, 7 बज रहे हैं अभी तक। अभी बोल रहे हैं बिल आ जाए, लेकिन वो भी निकलवाने के लिए नहीं जा रहे दुकान पर, इधर ही बैठे है। ये सामने ही शॉप है। फाइनली भाई अभी हम निकल रहे हैं, ये आ चुकी है अपनी गाड़ी और अब हम भी निकलते हैं यहाँ से। प्रेशर बन चुका है अपनी गाड़ी का भाई। अभी हम ना पेंडू कुंडा से हम निकल चुके हैं, लेकिन भाई अपना जो ईवे बिल है ना वो भाई सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा तक ही है। आ चुके हैं भाई वापस से उसी गांव में जहाँ पर हमने कांटा करवाया था गाड़ी का, सुबह में चेक करवाया था ना वजन। भाई ये कैमरे को क्या हो गया है, ऐसा क्यों दिख रहा है पूरा धुंधला सा। हाँ भाई अब सही हो गया, HDR में नहीं था पहले, वाइट एंगल में था ना, इसलिए भाई
सही से नहीं दिख रहा था यहाँ से, ये लेफ्ट साइड में रोड जा रही है ना, इस रोड पर हम गए थे भरने के लिए गाड़ी। यहाँ से पूरा 18 किलोमीटर है राइट। भाई लग चुकी है बारिश खतरनाक वाली, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है आगे। और भाई हवा चल रही है क्या ही भाई, खतरनाक हवा चल रही है अभी। ये देखो भाई बाइक वाले कैसे बाइक लहरा रही है हवा से, भाई काफी खतरनाक सा तूफान आया है ये तो। ओ हो 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 भाई भाई भाई, अपना ना लेफ्ट साइड में दरवाजा अपना ना भाई, ये लेफ्ट साइड वाला दरवाजा खुला था तो मैंने गाड़ी को साइड लगाया और पहले दरवाजा बंद किया और भाई फिर निकले यहाँ से। भाई अब जाकर बारिश बंद हुई है भाई, काफी देर से बारिश चल रही थी भाई, तगड़े वाली बारिश आई थी, तूफान था पूरा, सिर्फ बारिश नहीं थी, हवा भी इतनी तेज चल रही थी। फाइनली भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अनंतपुर, अब यहाँ से लेंगे हम आगे से लेफ्ट साइड में टर्न, फिर चलेंगे सीधा बेलारी के लिए, बेलारी होके चलेंगे फिर होसपेट। देखते हैं आज रात को कितना सफ़र निकलेगा अपना। तो यहाँ से भाई अभी भी होसपेट ना 170 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप। फाइनली भाई अभी हमने टर्न ले लिया है अनंतपुर बेलारी रोड पर, बेलारी यहाँ से 97 किलोमीटर है भाई। गूगल मैप तो यही सीधी रोड दिखा रहा है, लेकिन भाई गूगल मैप के भरोसे पूरा चलना नहीं चाहिए, डाउट लगे वहाँ पर किसी से रुक के पूछ लेना चाहिए भाई ये रोड कहाँ जाएगी। भाई चल रहे हैं कंटिन्यू, बारिश है कि भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बारिश चालू ही है। अभी आकर रुके इस टोल पर, बेलारी से पहले ही ये टोल आया है बेलारी। अब यहाँ से भाई 70 किलोमीटर बाकी है, अब चलते हैं होटल पर चाय पीने के लिए, आगे होटल है वहाँ पर चाय पीते हैं, चाय पीकर फिर निकलेंगे आगे, करेंगे अपना सफ़र आगे का कंटिन्यू। चाय पियेंगे उस्ताद जी, हाँ कब से बारिश चल रहा है, चलते हैं भाई चाय पीने के लिए, चाय पीकर फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। अब खाना तो 70 किलोमीटर पार करने के बाद ही मिलेगा अपने को, एक कर्नाटका का बॉर्डर आएगा उस पर कुछ लिखवाएंगे पैसे हम गरीबों के लिए दान में, हाँ चंदा लिखवा के आएंगे भाई। भाई अभी हमने आंध्र प्रदेश क्रॉस कर लिया है और अब हमने एंटर कर लिया है कर्नाटका में। अब भाई चल रहे हैं कर्नाटका की सड़कों पर और भाई बारिश कहीं पर चालू है कहीं पर बंद है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और भाई जो अपने साथ वाली गाड़ी है वो आ रही है पीछे, शीशा पूरा गंदा हो चुका है, अब ऐसे मौसम में भाई क्या ही शीशा साफ करेंगे। भाई ये रोड की हालत है कुछ, आंध्रा में रोड सही थी जैसे ही कर्नाटक में आए ना, धीरे धीरे रोड खराब होती गई और भाई अब ये हालत हो चुकी है रोड की। काम चालू है रोड का, ये पूरा काम लगा हुआ है। भाई अभी हम चल रहे हैं बेलारी बाईपास में, भाई बेलारी पार करके एक होटल है राजस्थानी, रेलवे फाटक पार करके आएगी होटल, उस होटल पर खाना खाएंगे और टाइम भी भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम, अभी भाई टाइम हो चुका है रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:24 हुए हैं। भाई अभी हम बेलारी बाईपास में है, होटल पर रुके थे खाना खाने के लिए, खाना हमने खा लिया है, खाना खाकर अब निकल चुके हैं यहाँ से और भाई अभी टाइम हो चुका है रात के 12:42, 1:15 बज चुका है। भाई चल रहे हैं कंटिन्यू और ये एक बैल खड़ा है यहाँ पर, गाय नहीं है भाई बैल ही है, हाँ
एक ये खड़ा है देखो, ये भी वैली है। और भाई अब आगे कंपनी आएगी JSW, जिसमें हमने भाई पहले पाउंडर खाली किया था, भुज से भर के आए थे दानेटी से, वो वाला पाउंडर शायद इसी ढलान में है। हाँ भाई इसी ढलान में है। ये जो सामने लेफ्ट साइड में जो फैक्ट्री है ना, वही है फैक्ट्री भाई। इस साइड भी हम गए थे एक बार गिट्टी भरने के लिए, NSPL ऐसा कुछ नाम है प्लांट का। और अब हॉस्पिटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही करीब 7-8 किलोमीटर है यहाँ से। चलिए भाई ये अभी हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, और भाई ये हॉस्पिटल सिटी। अभी हम चल रहे हैं हॉस्पिटल बाईपास में भाई। ये अभी हम आ चुके हैं हॉस्पिटल वाले टोल पर, ये टोल कटवाएंगे फिर आगे चलेंगे। 6-7 किलोमीटर में एक और टोल आएगा, फिर वो भी कटवाएंगे, फिर आएंगे RTO साहब। टोल पार करते ही RTO साहब को चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे, फिर बॉर्डर तक कोई दिक्कत नहीं है। टोल तो काफ़ी आएंगे लेकिन दिक्कत नहीं है कोई। और भाई अभी टाइम हो चुका है रात को 2:53, 3 बज रहे हैं अभी। अभी हल्की हल्की सी नींद भी आ रही है, देखते हैं अब कोई, देखते हैं भाई अभी दूसरा टोल पार करके RTO पार करके फिर सो जाएंगे। अगर मौका मिलेगा तो गाड़ी भगा के निकल जाएंगे। आते समय भी मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी, जाते समय देखते हैं, अगर मौका मिलेगा तो पक्का गाड़ी को निकाल के चले जाएंगे आगे। लो भाई ये दूसरा टोल भी आ चुका है, अब फिर आगे RTO साहब भी खड़े हैं। टोल तो डबल है लेकिन हॉस्पिटल में RTO भी दो जगह पे खड़ा है लूटने के लिए। हॉस्पिटल वाले RTO की शायद सैलरी नहीं है, बेचारे का घर गाड़ी वाले ही पाल रहे हैं।